कुमकुम भाग्य की पूर्वी यानी कि रांची उज्जैन के पास की रहने वाली है। ऐसे में वो शिव की बहुत बड़ी भक्त है और महाशिवरात्रि के मौके पर देखिए कैसे सेट पर ही इन्हें मौका मिला शिव जी की पूजा अर्चना करने का और पूरे भक्ति भाव से वो भोलेनाथ की पूजा कर रही है। सो शिवरात्रि का मौका है और इस वक्त रांची हमारे साथ है। रांची, ये साल आपके लिए बहुत ही स्पेशल है आई गेस। सो पहले सबसे तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। ऑल्सो महाशिवरात्रि का वक्त है तो किस तरह से मनाते आई हैं इसे? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जय श्री महाकाल। मैं उज्जैन के पास की रहने वाली हूँ तो ऑफकोर्स शिव जी से बहुत प्यारा सा रिलेशन है। और आई रिमेम्बर शिवरात्रि मैं इंदौर में मनाती थी तो ऑफकोर्स हम सबका व्रत होता है उस दिन, तो मेरी दादी साबूदाने की टिक्की, खिचड़ी और रायता बहुत बहुत डिलीशियस चीज़ें बनाती है। तो आई रिमेम्बर शिवरात्रि हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी का अभिषेक होता है और मेरे खुद के गुरुजी हैं, हम उस दिन उनका भी बोधी होता है तो हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। सो या इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। ऑफकोर्स ये साल जैसा आपने कहा मेरे लिए स्पेशल है एंड आई एम ग्रेटफुल कि अगर ये डेस्टिनी थी तो भी बाबा ने लिखी है और आई एम रियली ग्रेटफुल। सो अब हम मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, है ना? पूजा से पहले मुझे याद है मैं छोटी थी तो मैं दादी को देखती थी, वो सारे भगवान को पहले नहलाती थी, जिस तरह हम नहाते हैं भगवान को भी नहलाया जाता है और उसके बाद हम शिव जी का अभिषेक करें। मुझे पता है मैं खुश ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि एज अ जेन ज़ी इस जनरेशन भी मैं भी होके मैंने अपने बड़ों को देखा है एंड आई एम ब्राह्मण तो मैंने देखा है हमेशा बचपन से दादी दादू पापा सबको पूजा करते हुए, तो मैं इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। स्पेशली महाकाल के पास से हूँ तो शिव भक्त मैं हूँ। बेलपत्र है, हम इसे मिस नहीं कर सकते, ये स्पेशली शिव जी को चढ़ाया जाता है। शिवरात्रि है और आई थिंक मेरी बचपन की मेमोरीज़ काफ़ी सारी, एक स्पेशल मेमोरी ये है कि मेरी जो दादी है वो उज्जैन से है और उज्जैन में हम सबको पता है महाकाल है, तो बचपन में तो ऐसा होता था कि एक दो दिन पहले हमें उज्जैन जाना पड़ता था क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पे और यात्रा निकलती है जहाँ पे काफ़ी सारे डांसर्स होते हैं और वो देखने लायक है। आई थिंक अगर आप लोगों ने वो यात्रा नहीं देखी ना महाकाल की तो प्लीज़ एक बार उज्जैन जाओ और वो देख कर आओ। तो आई रिमेम्बर हम सब छत पर होते थे बिकॉज़ नीचे नहीं हो सकते थे, इतनी भीड़ होती थी और हम बच्चे थे तो छत से यात्रा निकलती थी, सुबह सब उठ जाते थे, नहा लेते थे कि यात्रा का टाइम हो गया है और यात्रा निकलती थी और हम सब महाकाल के दर्शन करते थे और ऑफकोर्स फिर महाकाल मंदिर जाते थे। उसके बाद जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो थोड़ा थोड़ा मैंने मिस कर दिया, लेकिन इंदौर में ऑफकोर्स हम मनाते हैं, सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, उस दिन व्रत होता है तो दादी के हाथ की साबूदाने की खिचड़ी बनती है एंड आई थिंक दिस टाइम आई एम गोना मिस इट, बट ठीक है मैं खुद बना लूँगी दादी से पूछ के। तो हाँ, स्पेशल मेमोरी है और मैं कनेक्टेड भी हूँ शिव बाबा से। आई रिमेम्बर मैंने जब ये अपना रिंग खरीदा था मैं त्र्यंबकेश्वर गई थी और लास्ट मैं त्र्यंबकेश्वर ही गई हूँ शिव जी के स्पेशल दर्शन करने के लिए। तो हाँ, इस तरह मैं शिवरात्रि मनाती हूँ और इस साल भी मैं व्रत रखूँगी, ऑफ कोर्स रखूँगी और खिचड़ी बनाएंगे फरियाल वाली। तो हाँ, तो गाइस आज सास बहू और बेटिया के साथ हमने महाशिवरात्रि मनाई है एंड थैंक यू सो मच गाइस, मुझे मौका मिला, बहुत अच्छा काम किया है मैंने और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। तो आई थिंक अभी महाशिवरात्रि है, शिव जी आएंगे और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, ये साल सबका बहुत अच्छा जाए। जय श्री महाकाल।